सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है बेसिक शिक्षा विभाग से। तो बेसिक शिक्षा के शिक्षक पढ़ाएंगे ऑनलाइन, स्कूल नहीं जाना है। तो इस बारे में बात करें कब तक स्कूल नहीं जाना है। दोबारा से एक नया आदेश जारी हो गया है, 20 मई तक का आदेश था कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, और फिर दोबारा से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी। तो देख लेते हैं आदेश को। तो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज से है, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है। और आज का दिनांक क्या देख सकते हैं, 19/5/2021 का आदेश है। विषय COVID-19 महामारी के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में। तो यहाँ पर पत्रांक वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 20/5/2021 तथा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने तथा इस अवधि तक छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं रहने, साथ ही परिषदीय शिक्षा में अनुदेशकों विभागीय कार्य घर से करने वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था कि जिला प्रशासन समक्ष प्राधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को दिए जाने वाले प्रशासकीय कार्य दायित्व हेतु यथा आवश्यक उनकी तैनाती एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के विद्यालय ऑनलाइन पठन पाठन स्थगित रहने के निर्देश दिए गए थे। मतलब कि 20 तारीख तक आप लोगों को जो निर्देशित थे कि यदि कोई आवश्यक कार्य प्रशासनिक तो वो करना है सभी अध्यापकों को, और अन्यथा कि सभी विद्यालय चाहे कस्तूरबा गांधी हो कोई भी किसी भी प्राइवेट स्कूल हो, ऑनलाइन भी शिक्षा को बंद कर दिया गया था। अब आगे क्या आदेश आया है वो जान लेते हैं। उक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं अन्य बोर्ड के समस्त विद्यालयों में ऑनलाइन पठन पाठन की अनुमति प्रदान की जाती है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल थे सभी को मान्यता दे दी गई है कि अब वो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कक्षा 1 से 8 तक के संचालित विद्यालयों में पठन पाठन की गतिविधियां ई पाठशाला के माध्यम से संचालित रहेंगी एवं विद्यालय COVID-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय 30/6/2021 तक बंद रहेंगे। मतलब विद्यालय बंद रहेंगे, जो क्लासेस चलेंगी आप लोगों की वो ई पाठशाला के थ्रू चलेंगी। जिला प्रशासन समक्ष प्राधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्र निर्देशकों को दिए जाने वाले प्रशासकीय कार्य दायित्व हेतु यथा आवश्यक उनकी तैनाती एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कृपया उपरोक्त के संबंध में अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये प्रताप सिंह बघेल उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के ये आदेश सचिव ने जारी कर दिया है। सभी को लागू हो गया है कि जो बेसिक के परिषदीय के स्कूल हैं जितने भी, उनमें ई पाठशाला के थ्रू मतलब आप लोगों को क्लासेस चलानी है, मतलब डाटा होगा वो भेजना पड़ेगा। और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है, वो पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि बेसिक शिक्षा से विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज रहती है सबसे पहले अपने चैनल पर देते रहते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लो और नोटिफिकेशन भी दबा लो जिससे कि सभी को जानकारी होती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।